रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज आखिरी प्रचार प्रसार का दिन है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस ने इस बार रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है। इस बार चुनाव का मुद्दा सक्रिय बनाम निष्क्रिय प्रत्याशी का है। दक्षिण विधानसभा की जनता कानून व्यवस्था, सक्रियता और विकास जैसे मुद्दों पर वोट करने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा जीतने के लिए सभी तरह के हथकंडे आजमा रही है, युवाओं को ताश के पत्ते बांट रही है, महिलाओं को साड़ी बांट रही है, जनता को दारू बांट रही है और अब पत्रकारों को सोने के सिक्के बांटे जा रहे हैं। लेकिन जनता ने यह ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस को ही वोट करना है। पूरे चुनाव में बोल रहे नदारद थे, जनता समझती है। 8 महीने में पूरी तरह से उनके नेतृत्व में सरकार फेल रही, गृह मंत्री मुख्यमंत्री अपने धीरे भी संभल रहे, तो प्रदेश क्या संभाले? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए चाहे रोड शो कर ले या फिर और कोई दूसरा शो कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने मन बना लिया है कि इस समय बदलाव करना है, परिवर्तन करना है और नए और युवा चेहरा को मौका देना है, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस कभी भी तत्कालिक रणनीति नहीं बनाती, आपको ज्ञात होगा। विधानसभा चुनाव की उपचुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी 3 महीने से कर रही है, बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर। उसी का नतीजा है कि 67,000 से जीतने वाली पार्टी को हम 0 पे हराकर खड़ा किए। आज एक बार मुझे लगता है डॉक्टरों से चेक करवा देते दोनों भैयाओं को, बीपी हाई होगा दोनों को। कांग्रेस ने इस समय दोनों नेताओं का बीपी और शुगर हाई लेवल हम लोगों ने कर ली, यही हमारी तैयारी है। इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग मानना पड़ रहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ कर रही है, यही हमारी मजबूत रणनीति है और यही हमारी ताकत है, यही हमारी एकजुटता है। जो आज हम लोग 34 साल से कब्जा धारी पार्टी के खिलाफ में सीट पे हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे और जीत रहे हैं। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।